अब बिठाते हैं गाड़ी में इज्जत से। अस्सलाम वालेकुम। मुझे फिश बहुत पसंद है। क्या टेंशन लिया करो, मेरे ख्याल से आपको टेंशन लेती है। नल आप तो ये पीते नहीं, आज कैसे पी रहे हैं? शॉपिंग नहीं हुई अभी तक, मेरी जेब से कुछ नहीं निकला। अब निकलने लगा। अब हम करेंगे ढेर सारी शॉपिंग। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। तो वेलकम है आपका लाइफ विद बिलाल में। तो इस वीडियो का टाइटल क्या है, आयशा आपको बताएंगी। इस वीडियो का टाइटल है कि मंगनी से पहले फियोंसे के साथ गए शॉपिंग करने। कौन गया? बिलाल और आयशा। आयशा को इसलिए साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो जो है ना वो कम्फर्टेबल फील करेगी, क्योंकि मैं अकेला तो जा नहीं सकता, क्योंकि उनकी भी फैमिली है साथ। तो वो भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तो वहाँ पर हम उनको मतलब पिक करेंगे और साथ मिलके फिर जाएंगे शॉपिंग करने। और शॉपिंग करने इसलिए जा रहे हैं कि लड़की को इसलिए साथ। हाँ, लड़की की पसंद के कपड़े होने चाहिए। हाँ, लड़की पसंद के कपड़े होने चाहिए ना, हम कुछ लेके बैठ जाए उसको पसंद ही ना है। तो हम शुरू से ऐसे हैं कि जिसके साथ भी शादी करनी होती है ना उसको साथ लेके जाते हैं कपड़े लेने के लिए। मामला हम साथ लेके गए थे, अम्मी गई थी, अली गया था और मैं भी गई थी और मामला आमला भी गई थी उनके साथ। लेकिन कपड़े तो मैं अपनी पसंद के लेके दूंगा क्योंकि बिलाल की पसंद बहुत अच्छी है। मैं आमना जब भी शॉपिंग नहीं, नहीं, चले चले देखते हैं उनको मतलब कि मेरी पसंद की चीजें पसंद आती हैं कि नहीं, कैसे हो सकता है। देखते हैं क्या करती हैं। पहले बिलाल जाता था मेरे साथ शॉपिंग करने, आमना के साथ शॉपिंग करने, तो हम उससे राय लेते थे कि बिलाल ये अच्छा है, तो बिलाल कहता था हाँ ये अच्छा, तो हम हैरान होते थे जो हमें पसंद है वही बिलाल को पसंद है। आज देखते हैं क्या होता है। तो बहुत मजे की वीडियो होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखते हैं कि क्या क्या हम शॉपिंग करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे भी हम। मैं सोच रहा था लेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि मुझे कॉल आ गई थी कि हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं, तो फिर हमने कहा हम भी निकलते तो हैं, पहुंच जाएंगे। तो पागल हो गया था कि कहीं लेट ना हो जाए। मैं कह रहा था बेचारे इतनी दूर से आएंगे तो वेट करना पड़ेगा उनको, हम पहले पहुंचते हैं। हाँ, तुम लेट करोगे, मेरा दुश्मन बन गया था, मैं हैरान हूँ। पर मैंने कुछ नहीं माइंड किया क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई बहुत अच्छा है, कि ये नहीं कि उसकी इतनी सी बात पे मैं इशू खड़ा कर दूं जी वो हाय हाय क्या आज ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे पता है उसके सामने चुप रहना चाहिए, उसकी हर बात को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि है तो बहुत अच्छा है ना। ये नहीं कि मैं उससे लड़ाई कर लूं, ये मेरी फितरत मतलब छोटी छोटी बातों की वजह से लड़ाई होती है, आप में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पर मैं नहीं ऐसी हूँ कि करूँ उससे हाय बिलाल ये क्या कर रहे हो तुम ऐसे ऐसे जो। तो अब देखें, अब लाल पूछ रहा है मेरे से, हाय इंतजार। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बिलाल लेट हो जाता है, इसमें कभी भी गुस्सा ना करना। नहीं नहीं, गुस्से की बात नहीं है, चलिए अब वेट करते हैं, जैसे ही वो आते हैं फिर आपको भी उनसे मिलवाते हैं। चलिए, तो जिसका वेट था वो आ चुकी हैं और बिलाल निकल रहा है गाड़ी से बाहर और वो मिलने लगे हैं, और वो अपनी फैमिली के साथ आई हैं, अपने भाई के साथ, बड़े भाई अपने भाई के साथ आई हैं। वो बस आ चुके हैं तो अब बिठाते हैं गाड़ी में इज्जत से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? तो हाँ जी, लेट हो गए। हाँ जी, क्या हुआ था? गाड़ी का थोड़ा इशू हो गया था रास्ते में। कोई बात। तो अब चलते हैं हम शॉपिंग करने, तो देखते हैं कि वहाँ से हम क्या शॉपिंग करते हैं। आयशा भी हमारे साथ हैं और नाम तो लेना तो डैश डैश जैसे नाम डाला मैं। तो आज आप मेरे साथ शॉपिंग करेंगे? हाँ जी, आपके साथ शॉपिंग। कैसा लगेगा? मुझे कुछ पता नहीं है, बट अच्छा? जितना मैं आपको जानती हूँ, जैसे मिले फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। तो मुझे पहले सब कुछ बता दें आपको किस तरह की ड्रेसिंग करना पसंद है, फिर उसी ब्रांड के पास जाएंगे, फिर टाइम वेस्ट किए बगैर टाइम हो जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे वैसे सफायर पसंद है, लेकिन जहाँ पे भी आप पसंद है, और मुझे सारा पता है ना वहाँ, तो हम मुझे फौरन वहाँ एंट्री करेंगे, हमारा टाइम कम वेस्ट। और बस
बस बस बाकी जाके देखते हैं। चलो जाके देखते हैं। आयशा बहुत खुश है, बहुत सी बातें कर रही है आयशा। मैं खुश होती हूँ हमेशा शॉपिंग शॉपिंग करवाने में। आयशा तो बस क्वीन है। ध्यान से ध्यान से मास्क मेरे पास है। आपके पास? मैं ले लेता हूँ। नहीं, नहीं है ना, यहाँ से ले लेते हैं। तो एंटर हो चुके हैं हम, तो यहाँ से बस अब गाड़ी पार्क करते हैं नीचे। शॉपिंग मॉल में हम एंटर हो चुके हैं। तो हम पहुंच चुके हैं, तो शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इंगेजमेंट पर जो उसकी शॉपिंग करते हैं और जो मैंने वेयर करना है, मेरी तो कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं वो मैं लूँगा। तो चलिए आयशा भी साथ है, आयशा में गाइड करेंगी और ये भी हमारे साथ हैं। तो चलिए चलते हैं आज। सबसे पहले किस ब्रांड पर जाना है आयशा से पूछते हैं या इनसे पूछते हैं? सबसे पहले नहीं, पहले ऊपर जाते हैं, कुछ खाते हैं, भूख बहुत लगी हुई है मुझे क्योंकि टाइम जो है ना 3 बज चुके हैं, तो लेट हो गए थे। तो चले सबसे पहले हम लंच करते हैं आज। चलें सफायर जी। हमने सोचा कहीं और चलते हैं। कुछ पसंद नहीं आया आयशा को अपने फेवरेट ब्रांड निशादी में लेके जा रही हूँ, पर आज इतना भी निशादी में अच्छा नहीं आया जितना मैं पहले लेती हूँ। जैसे मैंने आज ही पहना हुआ है तो पहले में पसंद आ गए थे। आज कल ऐसी चीज़ें नहीं है कि पहले में पसंद आ गए, मजबूर पसंद करना पड़ता है। वो क्या पसंद आया आपको? अभी नहीं, मतलब फाइनल नहीं किए, हमने सोचा बाकी सब जगह पे देख के फिर करेंगे फाइनल। ये ना हम ले ले बाद में चलेंगे, ज़्यादा अच्छा फिर पछताता है बंदा। कुछ ले ही नहीं रहा कोई, ले फिक्र ना करें, डिसाइड कर ले दो हम एक साथ कर ली है। चलो ठीक है लंच कर लेते हैं, 3:15 हो गए हैं, लंच कर लो लंच कर लो लंच कर लो। नहीं नहीं पहले लंच करने के पहले कर लो, बाद में आप। हाथ हमारे खाली है, अभी तक कोई शॉपिंग नहीं हुई। हाथ खाली है क्योंकि पसंद तो कर ली है पर फाइनल नहीं किया अभी, क्योंकि सब जगहों से देखेंगे फिर फाइनल। मैंने खुद इनको कहा कि सब जगह से देखो, कोई टेंशन नहीं टाइम की, चाहे 10 घंटे लग जाए 5-7 बस कोई टेंशन नहीं, और जो पसंद आता देख लो, कोई मसला ही नहीं आएगा। ठीक है अब लाइट पे जा रहे हैं। यहाँ आया जनरेशन में आमना ने भी एक आउटफिट लिया, आपने देख ली होगी वीडियो, तो बहुत अच्छा आपको पसंद आएगा। तो ये भी कहनी की बहुत अच्छी होती है कलेक्शन, जनरेशन से अच्छे होते हैं। तो 1 घंटा हो चुका है, कोई शॉपिंग नहीं हुई अभी तक, मेरी जेब से कुछ नहीं निकला, अब निकल लगा है क्योंकि अब हम आए हैं यहाँ पर एथनिक पर। तो चलिए देखते हैं कि कुछ लेके दूर दूंगा, फिलहाल के पैसे लगे लगे हैं। चलो वही नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी लगे मेरे पैसे, फिर लगाए नहीं रहा। और
शुक्र है कुछ तो ले लिया है। अब मारिया भी में जाएंगे, अब करते हैं लंच, बस चलो लंच करते हैं। लड़कों को बस लंच की बड़ी होती है क्योंकि लड़कों का इंटरेस्ट नहीं होता ना शॉपिंग में, इस वजह से। तो चले कोई बात नहीं, लंच करते हैं क्योंकि 4 बज चुके हैं, लंच भी किया इन्होंने, तो ये भी तो फिक्र करनी पड़ती है ना खाने पीने की, खाने की फिक्र भी तो करनी पड़ेगी ना। तो चलिए चलते हैं ऊपर, फूड कोर्ट जाते हैं, वहाँ लंच करते हैं। और क्या खाएंगे आप लंच में? सुबह 8 बजे नहीं, मैं सुबह 6:30 बजे उठा हूँ। तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारा जो फेवरेट है बुंदू खान, जहाँ से हम अक्सर खाते हैं रेस्टोरेंट में। तो चलिए अंदर चलते हैं और खाते हैं। चलिए ऑर्डर आप खुद करेंगे आज। आयशा आपको कैसे लग रहा है अपनी न्यू भाभी के साथ लंच करते हुए? अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ लंच, अच्छा कैसे लग गया? अभी स्टार्ट भी हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ। रख दे रख दे। आयशा ने पीना पानी और क्या? नहीं पहले आप, पहले आप, नहीं 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 पहले आप, ज्यादा प्यास लगी होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लो ये लो। और ये मेरा, वैसे हम कभी पानी नहीं पीते यहाँ आगे, बस फर्स्ट टाइम लिया है, बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या खाना है? नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट, नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं खाती ज्यादा, पता तो होगा। आप ऑर्डर करें क्या? आप मेहमान हैं। हाँ वो ऑर्डर करना है, सच 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 हमें जानने हैं। अच्छा फिश टिक्का, इतनी गर्मी में फिश टिक्का? ठीक है खाना है चिकन सीख बाद नहीं मलाई बोटी। अच्छा मलाई, अच्छा विंग्स खाने हैं, विंग्स। सच सच बताना है मुझे, सच पसंद है इसलिए जो आपको पसंद है अंदर नहीं रखना। ठीक है चिकन टिक्का, चिकन ईरानी बोटी, रोस्टेड चिकन सैंडविच। कैसे क्या क्या पसंद है खाने? खाने में जैसे बारबेक्यू पसंद है, टू बी ऑनेस्ट, और मुझे फिश बहुत पसंद है। तो मुझे टर्किश फूड पसंद है, मैंने मतलब ट्राई किया हुआ है ना टर्किश फूड, वो बहुत मज़े का होता है। तो खाना अच्छा क्या, तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। नहीं 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 आप ज़्यादा आयशा से नहीं करना, आयशा ने जादू का, आयशा के कबाब टूट गए। कहेंगे आयशा, आयशा ने अपना जादू चला दिया यहाँ। मजाक कर रही हूँ, बल्कि वो मुझे कहती हैं आयशा आप टेंशन ना लिया करो, मेरे ख्याल से आप खुद टेंशन लेती हैं ज़्यादा। ये ले आयशा को, मैं आपको दे रख देती हूं। चलो आप खाओ ना। नल आप तो ये पीते नहीं, आज कैसे पी रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, तो अब रिलैक्स हैं। अब हम करेंगे ढेर सारी शॉपिंग दिल खोल के इंशाल्लाह। तो बस अब चलते हैं और जाते हैं शॉपिंग करते हैं। हार्डी हार्डी मैं मारिया भी पहुँच रही हूँ, जिसकी कलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो देखो यहाँ मिलती है कि नहीं मिलती। और अब देनी है सैंडल, तो काफ़ी शॉपिंग हो चुकी है, तो अब बारी है सैंडल की, जो इंगेजमेंट पर पहननी है इन्होंने, तो वो देखते हैं। पीछे हमारे स्टाइलो है, स्टाइलो पर जाके पसंद करते हैं।
चलिए आज है। आशा बताओ 37 है कि क्या साइज है? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है ना? जी जी रियल फ्रेश साइज होना चाहिए। देख लो एक रेड देख लेते हैं। क्या एथनिक की देख लेते हैं अगर रेड मिलता है तो। जी जी आयशा क्या कहती है? आयशा क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? मैंने कहा था आपने मुझे सैंडल बहुत अच्छी डिजाइन करवाई है। थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे नहीं लग रहा था मुझे अच्छी सैंडल मिले। नजर से देख लेती हूँ कुछ चीज़ क्या लगेगी क्या नहीं। बट वही फ्रॉक जब सन किया था वो लेंगे। काफ़ी शॉपिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिरी मराहिल में है शॉपिंग। अब कुछ मेरी चीज़ें रह गई हैं, आप वो शॉपिंग करेंगे उसकी। हाँ तो फिर उसके बाद खाएंगे आइसक्रीम। तो चलिए चलते हैं। मेरे भी इसलिए हो रही थी इतना चीज़ें पकड़ ली थी इसलिए हुआ। मैंने भी कुछ ले लिया आपके लिए बस। बहुत अच्छे के बाद मतलब काफ़ी टाइम के बाद एक साल बाद मैंने क्या एक साल बाद नहीं ऐसी चीज़ें ली नहीं मतलब कि आज के दिन की बात का। अच्छा तो मैंने भी ले ली शॉपिंग कार्ड एंगेजमेंट के लिए। तो शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट सबकी। तो सब थक चुके हैं एक बंदे के साथ। आज से नहीं थकती बाकी सब थक गए हैं। थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत। मैं तो कुछ से ना अकेले डिसाइड नहीं हो पाता और आपने इतनी हेल्प की है कि शुक्र है सारी शॉपिंग हो गई है और वो भी सिर्फ 2-3 घंटों में। थैंक यू सो मच आयशा भी आपका। चलिए आप घर चलते हैं। आइसक्रीम खाएंगे लास्ट में। आइसक्रीम खा के फिर हम घर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं आइसक्रीम खाते हैं। आज अब हम खाएंगे आइसक्रीम। कौन कौन आइसक्रीम? चलो ये है आयशा की। पहले बिलाल आप खाएं मैं बाद में खाती हूँ। आयशा बनाएंगी दीदी। चलें ठीक है। तो शॉपिंग हो चुकी है कम्प्लीट और आयशा भी थक चुकी हैं और बहुत थक चुकी हूँ। और आयशा आपी का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी तरह इन्होंने मुझे शॉपिंग करवाई, मेरी बहुत हेल्प की और मुझे बहुत बहुत अच्छे ड्रेसेस जो है वो सिलेक्ट करके दिए। तो थैंक यू सो मच आयशा आपी आपका बहुत ज़्यादा। बिकॉज आपके बगैर मुमकिन नहीं था कि मैं शॉपिंग कर पाती, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। सो थैंक यू। वेलकम। पर मैंने इतनी हेल्प तो नहीं की। बहुत ज्यादा की है। नहीं अब इससे भी ज्यादा कर सकती थी पर क्योंकि समझ नहीं आ रही थी। हाँ जी बहुत जो अच्छा लगा मैंने बताया कि अच्छा हाँ ठीक है। बट फिर भी थैंक यू सो मच आपका। तो अब हम घर आ चुके हैं और मम्मी को दिखाएंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो अस्सलाम वालेकुम। तो शॉपिंग हो गई। शॉपिंग हो गई। अब आप देखें बताएं कैसी शॉपिंग है। शॉपिंग सही रही है। सही रही है। थक गए हैं बस बड़ा टाइम लगा है। आयशा भी साथ थी। मछली भी ज्यादा नहीं की जो थक गए। ये निशान का जो है ये देखो। तो आप लोग भी देख लें कि हमने क्या शॉपिंग की है। इधर से दिखाएं लाल दिखाओ। मैं दिखाता हूं। ये देखो ये देखो ये आर्टिकल न्यू है बहुत प्यारा है। देखें नजर नहीं आ रहा। नीचे करो ऐसे नहीं करो ये ऐसे नहीं करते ऐसे करो। नहीं नहीं ऊपर से पकड़ो ऐसे दिखाओ मुझे ऐसे ऐसे सही है। ठीक है। पीछे से दिखाएं क्या बना हुआ है। और ये क्या ये ट्राउजर है। बहुत प्यारा फ्रॉक है ये। ये ट्राउजर है इसका साथ ऐसे सिंपल सा ऐसे आमना भी दिखाते हैं कपड़े ऐसे। ये ट्राउजर है उसके नीचे। तो ये मेरे फेवरेट ब्रांड्स उन्होंने पसंद किया है निशात लीलन बहुत अच्छा आर्टिकल था ये। और एक ये उन्होंने पसंद किया है दोबारा पैकिंग भी कर रही है ऐसे तो ना देना किसी को बिना। ये देख आराम से ये है दुपट्टा सिंपल सा दुपट्टा है ये सिंपल सा नहीं है। कौन से फैब्रिक के हमें बताना फैब्रिक कौन सा है। शिफ क्रिंकल शिफोन क्या है एक तो क्रिंकल तो नहीं है नहीं
ये शर्ट है, ये बहुत प्यारी है, हमें ऊपर से दिखाओ नजर नहीं आ रहा। हाँ ये देखे काम हुआ हुआ और मिरर का ठीक है, बैक से कुछ नहीं हुआ। ये भी उनकी पसंद का है। थर्ड आउटफिट, थर्ड आउटफिट ये है, ये इस ब्रांड का एथनी, ये भी बहुत ऐसे करके ना नाम से देखो, बिलाल को दिखाना ही नहीं आ रहा, ऐसे 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 अब आ रहा है ऊपर से, नीचे नीचे शरारा है, है शरारा है, ये अम्मी को बहुत पता था शरारा का। ये क्या हुआ भाई यहां, ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, एम्ब्रॉयडरी का चिकन क्या कहते हैं, चिकन चिकन, हाँ चिकन, मुझे पता आयशा को पता नहीं लगती है, मुझे नजर नहीं आ रहा कैमरे से, ये ऊपर ये इसके क्या टसल आना कहते होते हैं, टसल हाँ, हाँ। ये बहुत प्यारा है, ये इनकी पसंद है, ये मतलब उनकी पसंद है, मेरे से पहले उन्हें ये पसंद आ गया, तो बीच में मेरी भी पसंद है थोड़ी थोड़ी, अच्छा ब्लू बिलाल की पसंद है, 50% है, ठीक है ब्लू बिलाल की पसंद का था, दोनों की पसंद है, और ये देखिए अभी देखते हैं अम्मी को पसंद आता कि नहीं आता, ये अम्मी आपके लिए लिया है, क्या आपको फैंसी कपड़े अच्छे लगते हैं ना, कि थोड़ा थोड़ा वो ना पहले जमाने में ना ये मंगनी पे फैंसी कपड़े होते थे, तो एक आउटफिट है ना फैंसी, आजकल गर्मी है हाँ। गर्मी की वजह से पहने ही नहीं जाते, पड़े रहते हैं, पहने जाए, और ऐसे भी आजकल बच्चियां नहीं पहनती, ये फ्रॉक बहुत जबरदस्त है, अम्मी कैसा है, फैंसी कपड़े नहीं पहनती, बहुत प्यारे, ये बहुत प्यारे हाँ, इसके साथ क्या है, ये लेस है, ये डोरी है, आप नग नकल तारों में, अच्छा ये डोरी है, टसल्स हैं, पता नहीं क्या क्या, ये बटन लगे हुए हैं ऐसे करके, ये समोसे अम्मी का फेवरेट कलर है, ये पता आपको, आपने कहती है कि समोसे वाला वो बना हुआ लेस, ये बनी हुई है पोपट वाली लेस, पोपट बना दिया मेरे, समोसा पोपट है की चीज, समोसा पोपट होते हैं, अच्छा अच्छा दोबारा से फ्रॉक दिखाओ, ये देखो नीचे शलवार है, देखें ठीक है ठीक है, ये साइड से ऐसे बटन, ये बहुत प्यारा है, तो जो मंगनी का जोड़ा होता है और सैंडल होती हैं, यानी हील्स होती हैं, ज्वेलरी ज्वेलरी वगैरह वो जो है ना वो हम लेके जाएंगे एक वीडियो, मतलब कि जब हम जाएंगे उनके घर वो लेके जाते हैं ना, एक रस्म होती है क्या, एक बास्केट सी होती है ऐसे, मंगनी का जोड़ा, मंगनी का जोड़ा लेके जाएंगे, तो आप उस वीडियो में देखें, वो भी लड़की की पसंद का है, वो भी लड़की की पसंद का है, बच्चों पसंद के होने चाहिए कपड़े, जिन्होंने पहन लेते हैं उन्हें पसंद हो तो फिर अच्छी बात होती है, खुशी होती है, बहुत अच्छी बात होती है, खुशी होती है, खुशी होती है जब वो खुशी से पहने, अब ये नहीं कि ये नहीं पहनना तो ये नहीं पहनना, अम्मी कहती है जो मर्जी पहनो, ठीक है ना जी, अब पैक भी कर रही है अम्मी अपने हाथों से, देखें कैसे, तो अम्मी सबसे ज्यादा खुश है, प्यार से अम्मी पैक कर रही है, अम्मी वाकई पसंद आए ना आपको, क्योंकि मुझे बहुत डर था कि अम्मी के बाल लोग कहेंगे भी फैंसी नहीं है, ये फैंसी है, फैंसी तो है नहीं, वैसे लोन का फैशन है आजकल, बात ये है कि वो ना फैंसी कपड़े नहीं पहनती, फैंसी कपड़े नहीं पहनती, वो पहनती हैं कैजुअल कपड़े जो हैं, इस तरह मतलब फॉर्मल कपड़े नहीं पहनती ज्यादा, ये भी बहुत मुश्किल से मतलब पहनेंगे या पहनने पड़ेंगे वो, मतलब इस तरह ना, मतलब वो वेस्टर्न कपड़े ज्यादा पसंद करती है मेरी तरह, तो अभी बहुत प्यार से जो ड्रेसेस हैं उसको पैक, मतलब पैक दोबारा से पैक कर रही हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को क्या इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और लाइक बिलाल चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें बहुत सी वीडियोज आने वाली हैं इंटरेस्टिंग जिनका आपको बहुत वेट है, तो मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में बहुत जल्द, तो मेरे इंस्टा को फॉलो करें, आपको ऊपर आईडी नजर आ रहा होगा, तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।